संजना शर्म के मारे जमीन में ही घड़ी जा रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब जब वापस बातों का टॉपिक बदल गया तो उसने फिर से वही बात शुरू करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। उसने धीरे से मोटू अंकल के कान में पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ही मिस्टर सोमनाथ बनर्जी हैं? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, मोटू अंकल ने मासूमियत से कहा। आपने मेरे इतने सारे अंगूर खा लिए, क्यों ना आप ही सारे अंगूर खरीद लो। लेकिन तुमने मुझे अपनी तरफ से ट्रीट में खिलाए थे। मोटू अंकल को बातों में उलझाना इतना आसान नहीं था। संजना मुस्कुराई। मन ही मन वो जानती थी कि आखिर उसने वो इंसान ढूंढ लिया जिसकी उसे तलाश थी। और अब जब उन्हें अंगूर इतने पसंद आए हैं तो वो अंगूरों का स्टॉक खरीदने के लिए जरूर उनको मना लेगी। जब संजना ये सोच ही रही थी कि वो आगे क्या करे, मोटू अंकल खुश होकर बोले, कल अपने अंकल को लेकर मेरी वाइन कंपनी में मुझसे मिलने के लिए आओ। संजना खुशी से झूम उठी। वो खुद इस बारे में बात कर रहे थे। वो अंगूरों से बहुत संतुष्ट थे। अगर इसकी कीमत रीजनेबल रही तो वो लोग डील करने में सफल हो सकते हैं। घर जाते वक्त संजना कार में बैठकर अपनी आंटी को मैसेज में ये गुड न्यूज दे रही थी। अचानक कार सड़क के किनारे रुक गई। संजना ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? करण के चेहरे पर कुछ नाराजगी के एक्सप्रेशन थे। फिर उसने अपने को शांत करते हुए पूछा, तुमने अपने अंकल की प्रॉब्लम के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? संजना अपने कंधे उचकाती हुई मुस्कुरा कर बोली, मैं क्यों बताती? जब उसने देखा कि करण नाराज हो गया है तो उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ सच है, तुम वजह हो जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे अंकल के साथ एग्रीमेंट तोड़ा और मेरे अंकल अंगूर बेच नहीं पाए। थ्योरी यह है कि मुझे इसमें तुम्हारी मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। जो मामले हम खुद निपटा सकते हैं उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और अगर हम फिर भी ये सेटल नहीं कर पाते तो मैं जरूर तुम्हारे पास आती। आखिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने इतनी आसानी से कह दिया कि ये सब करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो अपनी 2 दिन की ट्रेनिंग मिस नहीं करती। एक पल के लिए तो करण को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर ऐसी कोई बात भविष्य में हुई तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। सबसे पहले? तुमको क्या ये कोई फेरी टेल लगती है जिसमें दुखी सिंड्रेला की जोड़ी एक हद से ज्यादा पोजेसिव लड़के से बनती है? जहां एक अमीर और खूबसूरत नागिन हमेशा सिंड्रेला को मुश्किल में डालने की कोशिश करती है, जिसके बाद सिंड्रेला रोती हुई अपने प्रेमी के पास जाती है और उसका प्रेमी नागिन को टॉर्चर करके मार डालता है। संजना ये सब बोलते हुए बहुत चढ़ गई थी। करण कुछ नहीं बोला। यहीं रुक जाओ, मैं सिंड्रेला नहीं हूं। असली जिंदगी ड्रामा और सीरियल से अलग होती है। एक शादीशुदा कपल के लिए ऐसी परिस्थिति में जहां लड़के का परिवार लड़की वालों से ज्यादा अमीर होता है, तो ऐसे में लड़के के लिए अपनी बीवी के परिवार की मदद करना मामूली बात है। लेकिन उसकी बीवी हर छोटी बात के लिए उसकी मदद मांगने के लिए उसके पीछे नहीं घूम सकती है। ऐसे तो ये हमेशा चलता रहेगा। अगर लड़के का परिवार कुछ नहीं भी कहता है तो भी उसकी नजरों में लड़की और उसके साथ उसके परिवार की इज्जत भी हमेशा के लिए कम हो जाएगी। तो वो कभी भी किसी के एहसानों तले दबकर नहीं रहना चाहती। करण के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वो संजना को छेड़ते हुए बोला, अभी तो तुम्हारी मुझसे ऑफिशियली शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से अपने होने वाले सास ससुर को खुश रखने के बारे में सोच रही हो। करण के ऊपर स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। संजना को पता ही नहीं चला कि कब करण ने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। उसकी कॉलर बोन्स और गला दिख रहा था और वो बहुत आकर्षक और सेक्सी दिख रहा था, हद से ज्यादा चार्मिंग। संजना करण को इतने गौर से नोटिस कर रही थी कि उसे लगा उसका सर चकरा जाएगा। आजकल लड़कियां इतनी मोहक और आकर्षक नहीं लगती। इस करण का चार्म सबसे ज्यादा जानलेवा है। एक तो कार में जगह कम है और एक लड़की ही साथ में बैठी है, फिर भी इस खड़ूस करण ग्रोवर का पता नहीं इतना चार्मिंग करण ग्रोवर कैसे बन गया। क्या वो कोई लव पोशन पी कर आया है? उसने कड़क आवाज में कहा, तुमने मेरे कहे शब्दों के पीछे का असली मतलब मिस कर दिया। मैं ये कहना चाह रही थी कि बिना तुम्हारे परिवार की मदद के मेरा परिवार इतने सालों से अच्छी जिंदगी बिता रहा है और हम आने वाले वक्त में भी आप लोगों की मदद के बिना ऐसा ही सुकून की जिंदगी जिएंगे। इसीलिए मुझे हर बात के लिए तुमसे मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अब मेरी बात समझ में आई? संजना को अपनी तरफ से ये साबित करने की पूरी कोशिश करनी पड़ रही थी कि उसके मन में
कोई फीलिंग्स नहीं है और वो उसे शादी करने का इंतजार नहीं कर रही। वो करण को ये दिखाना चाहती थी कि वो इस शादी के बिना भी खुश है, बिल्कुल उसकी तरह। ओ, करण ने जवाब दिया, अभी भी नहीं समझ आया। संजना ने अपने दांत पीछे और कहा, भूल जाओ, अभी मुझ में तुमसे इस बारे में बात करने की और बहस करने की एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है और सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। चलो थोड़ी देर हम चुप रहते हैं। थोड़ी देर के बाद संजना ने आगे कहा, सही है, मुझे हम दोनों के बीच की ये खामोशी सबसे ज्यादा पसंद है। करण ने संजना की तरफ देखा और अचानक से उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। और मुझे ये पसंद है कि हम दोनों के बीच कोई है जो बस थोड़ी देर में फटने वाला है और फिर शांत रहने का दिखावा कर रहा है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। संजना हैरान थी। वो गुस्से में अपनी सीट से उठने ही वाली थी और ये भूल गई थी कि वो कार में बैठी है, लेकिन जैसे ही वो उठी उसका सर कार की छत से टकराया। अपना सर मलते हुए उसने गुस्से से करण की तरफ देखा। वो बिल्कुल शेरनी जैसी दिख रही थी जो अटैक करने वाली हो। हे भगवान, सारी दुनिया में मुझे ये नमूना कहां से मिला? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। अब तो मैं किसी सूरत में करण के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन जैसे ही संजना अपना सीट बेल्ट हटाकर कार का दरवाजा खोलने लगी, करण बोला, इस एरिया में 500 मीटर आगे और पीछे कोई नहीं रहता, ना ही कोई टैक्सी इस एरिया में आती है। अगर तुम ऊबर भी बुलाओगी तो भी तुमको इस लोकेशन का सही GPS नहीं मिलेगा। संजना के हाथ वहीं रुक गए और वो वापस सीट बेल्ट लगाकर चुपचाप बैठ गई। करण ने उसे देखकर जानबूझकर पूछा, अरे तुम अभी तक कार से नहीं उतरी, क्यों नहीं? संजना को करण पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि उसकी जबान कितनी तेज है, वो शादी के बाद इसके साथ सुकून भरी जिंदगी कैसे जिएगी। वो करण की तरफ देखकर उसे और छेड़ने का मौका नहीं देना चाहती थी। वैसे भी गुस्से के मारे उसका अपने बाल नोचने का मन कर रहा था। करण ने भी आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराता हुआ कार ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर के बाद नाराज रहने के बाद संजना के दिमाग में और भी कई बातें चलने लगी। वो ये सोचने लगी कि उसे कल अपने अंकल और मोटू अंकल के साथ कैसे बात करनी चाहिए जिससे उनकी डील फाइनल हो जाए, क्योंकि करण और संजना वक्त से पहले घर पहुंच गए थे, इसीलिए करण नानी से मिलने के लिए उनके घर आ गया। अभी नानी की तबीयत में काफी सुधार आने लगा था। उन्होंने करण से पूछा कि वो उसके माता पिता से मिलकर कब शादी की बात कर सकते हैं। आखिर वो खुद की तबीयत की वजह से उन दोनों की शादी में देरी नहीं करना चाहती थी। संजना मन ही मन रो रही थी, कोई जल्दी नहीं है नानी, मुझे तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। अगले कुछ दिनों में स्टेट टीम में सिलेक्शन होने वाले, फाइनल शुरू होने वाले थे, इसीलिए करण ने सुझाव दिया कि शादी के बारे में डिस्कशंस संजना के फाइनल्स खत्म होने के बाद करना चाहिए। नानी को भी ये बात ठीक लगी और उन्होंने संजना की इतनी फिक्र करने के लिए करण की तारीफ भी की। संजना साइड में खड़ी होकर मुंह बना रही थी, ये झूठ है नानी, करण की हर बात झूठी है। जैसे ही करण जाने लगा, नानी ने संजना से कहा कि उसे बाहर तक छोड़ कर आए, क्योंकि उनके लिए बाहर तक चलकर जाना थोड़ा मुश्किल था। जब वो दोनों घर से बाहर निकल गए तो करण ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें पैसे की कोई प्रॉब्लम है? संजना उसकी तरफ मुड़ी और थोड़ी देर उसे चुपचाप देखती रही। ये क्या बकवास है, उसे तो काफी वक्त से पैसे की कमी रही है और पैसे की कमी में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, लेकिन वो ये क्यों पूछ रहा है? कहीं उसका जमीर तो नहीं जाग गया और वो मुझे पैसे की मदद देने की सोच रहा हो? वैसे भी किसी को पैसे और पावर के सामने नहीं झुकना चाहिए। संजना उन लड़कियों में से थी जो खुद को संभाल सकती थी। अगर कोई उसके दरवाजे पर पैसे छोड़कर जाए तो बात अलग थी। करण ने उसे देखा, मेरे पास एक नौकरी है जिसमें अच्छा पैसा मिलेगा, करना चाहोगे? नौकरी जिसमें अच्छा पैसा मिलेगा? करण कितना दयालु है, लेकिन उसके पास ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें वो उसके काम आ सकती हो? अचानक संजना के दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल आए और उसने तुरंत अपना चेस्ट ढक लिया। उसका अचानक से ऐसा रिएक्शन देखकर करण चिढ़ कर बोला, सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकती हो कि तुम्हारे अगली लुक्स को देखकर किसी की नीयत खराब होगी। संजना ने उसे घूर कर देखा और वहां से चली गई। करण ने आगे कहा, युग की प्रोडक्शन टीम एक स्विमर को ढूंढ रही है जो पानी में फिल्माए जाने वाले सीन करे।
सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा। बहुत सारे फेमस लोगों ने अपनी शुरुआत एक छोटे से काम से की थी। अमिताभ बच्चन एक्टर बनने से पहले रेडियो के लिए काम करते थे, रजनीकांत बस कंडक्टर थे। करण की बातों में दम तो है। संजना ने करण की तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो बोली, मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। जब संजना अपने अंकल के साथ मिस्टर सोमनाथ बैनर्जी से मिलने गई तो उनकी बातचीत बहुत सफल रही। मिस्टर बैनर्जी उनके अंगूरों का सारा स्टॉक देखने के लिए तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने संजना और उसके अंकल को अपनी कंपनी की सैर भी करवाई। जब अंगूरों का मामला सेटल हो गया तो संजना ने अपना पूरा ध्यान अपने फाइनल की तैयारी पर केंद्रित कर दिया। जब संजना ने कोच इंद्रजीत से छुट्टी मांगी थी तो वो नाराज लग रहे थे। उनको चिंता थी कि शायद वो वक्त पर अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएगी और उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। जब संजना ने वापस ट्रेनिंग शुरू की थी तब जाकर कोच ने राहत की सांस ली। इस वक्त उनको ये भी पता चल गया था कि वो सचमुच कॉम्पिटिशन्स के लिए सबसे बेस्ट एथलीट है। अपना बेस्ट देने के लिए वो अपनी क्षमता से ज्यादा जी जान लगा सकती है। ये बहुत अच्छी बात थी। जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं वही लोग बाद में अपनी सुकून की जिंदगी जीते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए संजना ने अपना पूरा वक्त अपनी ट्रेनिंग के लिए समर्पित कर दिया था और सिर्फ अपने कॉलेज की एनिवर्सरी पार्टी के लिए ही कॉलेज जाने वाली थी। पहले तो वो कॉलेज की पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ अपने हॉस्टल में आराम करना चाहती थी। लेकिन त्रिशा को कोई प्रोग्राम देना था, इसीलिए संजना को उसकी मदद करने के लिए वहां जाना पड़ा। वहां उसने रेहान को देखा। वो पहले से बेहतर दिख रहा था और अब वापस पहले की तरह हंसी मजाक करने लगा था। इतना ही नहीं, उसने वापस कॉलेज जाने के लिए 2 दिन बाद की टिकट भी बुक करवा ली थी। संजना ने सोचा कि त्रिशा की वजह से रेहान की प्रॉब्लम ठीक हुई थी। फ्लर्ट रेहान हमेशा से अपना पहला प्यार ढूंढने के बारे में बातें करता रहता था। संजना की नजर में उसका पहला प्यार त्रिशा थी और उसे यकीन था कि रेहान के दिल में भी त्रिशा को लेकर कुछ फीलिंग्स है। दोनों ने साथ मिलकर त्रिशा की तैयारियों में मदद की। वे लोग पहले की तरह हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। अचानक त्रिशा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने मुड़कर संजना की तरफ देखा। संजना कंफ्यूज होकर मुड़ी तो उसे सामने से रोशनी आती हुई दिखाई दी। ये यहाँ क्या कर रही है? उसको देखकर लग रहा था कि वो खास तौर पर संजना से मिलने आई है, उसके लिए परेशानी खड़ी करने। ऑफ कोर्स, हाँ रोशनी यही करने आई है। वो पिछले कुछ दिनों से संजना से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संजना ट्रेनिंग में बिजी थी इसीलिए वो मिल नहीं पाई। उसे पता था कि आज संजना अपने कॉलेज की एनिवर्सरी अटेंड करने जरूर आएगी, लेकिन आज उसका संजना के लिए कोई परेशानी खड़ी करने का इरादा नहीं था। जब संजना ने रोशनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई। भले ही रोशनी के चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी चाहती क्या है। संजना ने पहले उसे घूरा, फिर मुस्कुराती हुई बोली, अगर मुस्कुराना इतना ही मुश्किल है तो तुम्हें मुस्कुराने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें खुद की शक्ल देखने के लिए मिरर भी दूं, ताकि तुम देख सको कि झूठी मुस्कान के साथ तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। रोशनी उसकी बात सुनकर शॉक में थी। फिर उसने खुद को संभाला और ऐसे जताया जैसे उसे संजना की बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रही थी। संजना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसने गहरी सांस भर के कहा। क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं खुद को बदल दूंगी। बस अपना गुस्सा मेरे भाई पर मत निकालो। ये सुनते ही संजना गुस्से से कांप उठी। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? वो सबके सामने खुद को इतनी दुखी क्यों दिखा रही है? लेकिन सचमुच उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद बहुत से लोगों को उस पर दया आ गई। तुमने अपने अंकल के अंगूरों का स्टॉक ऑलरेडी बिकवा दिया है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। क्या तुम करण से कह सकती हो कि गवर्नमेंट टेंडर प्रोजेक्ट के लिए मेरे भाई के मुकाबले खड़े ना हो? संजना तुरंत समझ गई कि रोशनी वहां क्यों आई थी। तभी वो इतनी दुखी और मासूम बनने का दिखावा कर रही थी। संजना पहले तो उसे इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो कैसे सबके सामने भोली बनने का नाटक कर रही है तो उसने अपना मूड बदल लिया और बोली, अगर करण किसी प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे मेहता फैमिली से कम्पीट करना चाहता है तो उसमें मेरा क्या लेना देना? तुमने खुद कहा कि ये एक टेंडर है,
तब तो ये फेयर कॉम्पिटिशन होगा। बात बिल्कुल सिंपल है, जो भी इसके ज्यादा लाइक होगा प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा। अब ये मत कहना तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती। ये शब्द रोशनी का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। रोशनी ने गुस्से में संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वो इस वक्त कुछ नहीं कह सकती थी। अगर उसकी माँ ने उसके बिजनेस में परेशानी खड़े होने का जिम्मेदार उसे नहीं ठहराया होता और उसके बैंक अकाउंट सील ना कर दिए होते तो इस चीप संजना से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिसने उसके मंगेतर को छीना था। और यही आखिरी रास्ता था जिससे वो इस संजना से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा सकती थी। लेकिन संजना से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे करण के बेड में घुसने में जरा भी वक्त नहीं लगा और वो खुद को कहीं की रानी समझती है? रोशनी जितना इस बारे में सोचती उसे उतना ही गुस्सा आता, लेकिन वो बोले बिना रह नहीं पाई। स्लट, उसने इतना धीमे बोला था कि संजना को भी सुनाई नहीं दिया। सिर्फ रेहान जो रोशनी के पास खड़ा था उसको सुनाई दिया। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या कहा तुमने?